आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर के परौंठे। सब्जी तो आपने मटर पनीर की बहुत बार खाई होगी, पर आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर के परौंठे। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि एक बार अगर आपने घर पर बनाकर सबको खिला दिए तो रोज़ रोज़ आपको मटर पनीर के परौंठों की डिमांड करेंगे सभी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर के परौंठे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मटर पनीर के परौठे बनाने के लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में इतने टेस्टी परौठे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर एक कटोरी मैंने मटर लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, और एक छोटी हरी मिर्च ली है जिसे कट कर रखा है, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का उसको भी मैंने कट कर रखा, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे स्लाइस में कट कर रखा है, और पनीर को ग्रेट करके रखा है। तो सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में सिर्फ मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है, बस हमें हल्का सा सब्जियों को जो है सॉटे करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, और एक बड़ा प्याज जो है मैंने स्लाइस करके रख लिया था उसको मैं डालूँगी साथ में ही इसके, और साथ में ही हम डाल देंगे हरी मिर्च। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको सॉटे करना है हमें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा प्याज जो है पिंक हो जाए बस उतना हमें इसको सॉटे करना है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है सॉटे हो चुके थे, मैंने साथ में ही उसमें मटर डाल दिए। अब हमें इनको अच्छे से पकाना है 5 मिनट के लिए, मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए उतना। तो यहाँ पर देखिए मटर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, बीच में मैंने एक दो बार चला दिया था, ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं मटर। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और मटर को बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसको बिल्कुल ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पेस्ट जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तैयार करके रख दिया है इस तरह से, और अब हम इसको पनीर में डालेंगे। पनीर को मैंने पहले ही ग्रेट करके रख लिया था, तो अब सारे मिक्सचर को जो है हम पनीर में डाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है, नॉर्मल आटा जो है लगाया है मैंने, बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी या पराठे के लिए आटा लगाते हैं, बस आटे में थोड़ा सा मैंने एक चम्मच घी डालकर आटे को लगाया है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, और थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये तीखी नहीं होती है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन, अजवाइन बहुत अच्छी होती है परौंठों में, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथों से रगड़कर हम डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और साथ में मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा परौंठों में। और यहाँ डाल रही हूँ मैं एक छोटा चम्मच चाट मसाला, अगर छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी, तो स्पैचुला मैंने इसमें से निकाल दिया है क्योंकि हम हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे मिक्सचर को। मैंने यहाँ पर बहुत हल्के मसाले रखे हैं, अगर आप ज़्यादा मसाले वाला पराठा खाना पसंद करते हैं तो आप मसाले अपने अकॉर्डिंगली इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे में से एक लोई ले लूँगी इस तरह से, और पराठा आप बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं या छोटा वो आप अपने अकॉर्डिंगली उतना ही लोई का जो पेड़ा है वो ले लीजिएगा। तो मैंने देखिए इस हिसाब से लिया है, तो मैं इसको अच्छे से मसल के अच्छे से एक लोई बना लूँगी और हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। इतनी मैंने बड़ी लोई ली है, तो पहले सबसे पहले हमें इसको रोटी की तरह ही बेलना है, फिर तो उसके बाद में हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको, और अब इस तरह से बोर्ड पर रखकर हम इसको बेल लेते हैं बिल्कुल रोटी की तरह, एक नॉर्मल रोटी की शेप जितनी होती है उतना सा इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल रोटी की शेप में मैंने इसको बेल लिया है,
अब इसके बीच में हम स्टफिंग रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच जो है इसमें स्टफिंग डाली है, तो आप देख लीजिएगा आपको कितना भर के बनाना है पराठा उसी इस तरह से, पर इतनी एनफ होगी 3 चम्मच एक पराठे में। तो इस तरह से इसको स्क्वायर जो है वो शेप देनी है, क्योंकि हम स्क्वायर पराठे बना रहे हैं। तो इस तरह से बीच में से आपको थोड़ा सा जो हमने स्टफिंग रखी है उसको शेप दे लेंगे। अब इसके किनारों पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, ऑयल या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पराठे को फोल्ड करना है जिससे कि चिपक जाए। तो इस तरह से एक लेयर को इस तरह से रखेंगे, दूसरी लेयर को भी इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, और दोनों तरफ से इस तरह से किनारे जो है इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसको अच्छे से हाथों से दबा लेंगे कि फिलिंग बाहर ना आए, तो ये बहुत इजीली जो है वो चिपक जाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो गया है हमारा एक पराठे का डो जो है। अब हम फिर से सूखा आटा थोड़ा सा लगा के बोर्ड पे, और इसको हल्के हाथों से हमें बेलना है और स्क्वायर शेप देनी है। तो आप देखिए पराठे आप बड़े बनाना चाहते हैं या छोटे, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके घर में किस तरह के पराठे खाना पसंद किया जाता है, बड़े या छोटे? तो ये देखिए पराठा मैंने बहुत अच्छे से बेल लिया है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर मैंने तवा रख दिया था, और अब इस पर पराठा डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पराठे को डाल दिया है, और अब मैं पराठों के साइड्स में ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, अगर आपके घर में घी से पराठे को सेकते हैं तो आप घी भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑयल लगाया जाता है पराठे को सेकते वक्त, तो इसलिए मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ से वैसे उलट पलट कर मैंने इसको सेक लिया है। देखिए बहुत अच्छे से फूले फूले पराठे जो है वो बनकर तैयार हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से आपको अच्छे से सेकते हुए इसको तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं ये। और देखिए एक पराठा जो है वो तैयार हो चुका है हमारा, मटर पनीर का पराठा। सब्जी तो हम बहुत बार खाते हैं मटर पनीर की, आज हम खाएंगे मटर पनीर के पराठे। तो ये एक पराठा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया था तवे पे, वो भी तैयार हो चुका है। तो दोनों पराठे मेरे बनकर तैयार हैं। तो अब जल्दी से इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। पराठे तो बनकर तैयार हो चुके हैं, तो इसको मैंने सर्व कर दिया है यहाँ पर दही के साथ में और अचार के साथ में, और बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनते हैं। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इनको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितने अच्छे से इसमें जो हमने फिलिंग की थी वो पूरे पराठे में बहुत ही अच्छे से ये देखिए दिखाई दे रही है। कहीं ये नहीं है कि किनारे तक फिलिंग नहीं आई है, बहुत अच्छे से इसमें फिलिंग पूरे पराठे में फैल जाती है और बहुत ही टेस्टी ये पराठे लगते हैं। और मैं इसी तरह आपके लिए बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी जो है वो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।